नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का संबोधन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा किया गया है। एक निजी बैंकेट हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर देश भर से जो चंदा उगाया गया उसे पार्टी यूपी का चुनाव लड़ने में इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक समेटने की कोशिश करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ब्राह्मण समाज के लोग चुन चुन कर मार रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मायावती ने सबको सरकार में हिस्सेदारी देने का काम किया। बहन जी ने सर्व समाज को सम्मान दिया और ब्राह्मण समाज के 15 लोगों को एमएलसी बनाने का भी काम किया। इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी पर हम निशाना इसलिए साध रहे हैं क्योंकि ये लोग को बहकाने का काम करते हैं। 15 लाख रुपए खाते में देने को कहा गया था लेकिन सब कुछ जुमला साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 2022 को लेकर बीएसपी पूरी तरह से तैयार है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो दलित समाज के भाई बहन थे उनके ऊपर बहुत टोने डाले, बहुत तरह तरह के टोने डाले, उनकी झोपड़ियों में गए, उनके यहाँ खाना खाने का काम किया, तरह तरह के काम किए, लेकिन उन्होंने कहा ये सब इतना खून चटास्ता कर लो, लेकिन हम जो है हम खड़े हैं तो बहन मायावती जी के साथ में खड़े हैं। चट्टान के रूप में खड़े रहे और इसीलिए किसी भी चुनाव में आप किसी के लिए बहुजन समाज पार्टी का वोट कम नहीं हुआ, वोट बढ़ने का काम हुआ। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग धर्म के नाम पे और इनके झूठे छलावों के नाम पे जो महक है अब उनको आज पछतावा हुआ। जिस तरीके वादे आप लोगों से किए आपको तो बताइए, आपने ही कहा 14 में कि हम तो सबकी हर व्यक्ति की जेब में 15-15 लाख रुपए डलवा देंगे, खातों में डलवा देंगे। जब किसी एक के भी खाते में नहीं आया पूरी पूरे हिंदुस्तान में तो कह दिया उनके मुखिया ने कि अरे तो जुमला आप लोग गलत फहमी में आ गए। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद उन्होंने बहुत टोल बंदी लगा दी, उसके बाद जीएसटी लगा दिया। जितने कारखाने, मझोले कारखाने, छोटे कारखाने, बड़े कारखाने जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते थे सब बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 15 अगस्त को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 कुशल श्रमिकों को टूलकिट और पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उनमें से कुछ के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। ये योजना 26 दिसंबर 2018 को श्रमिकों के कौशल को प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानित करने और उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए उन्नत टूलकिट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कार्यक्रम के लाभार्थियों में नाई, धोबी, दर्जी, मोची, लोहार, सुनार, टोकरी बुनने वाले और कुम्हार शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सैगल ने कहा है कि इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए श्रमिकों को न केवल किट दी जाती है बल्कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उदार शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। तो 21,000 कुशल श्रमिकों को टूल किट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी को सम्मानित करेंगे। 15 अगस्त के मौके पर यह खास कार्यक्रम रखा जा रहा है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी की तर्ज पर हर साल ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। ललितपुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बना राजघाट रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ता है। बीते कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ का जलस्तर बढ़ने से बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं जिससे बांध से जुड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और नदी के बीच में बने पुल पर भी पानी आ गया है जिससे पुल करीब 5 फीट पानी में डूब गया। पुल पर पानी आने से सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और कई गाड़ियां पुल के दोनों ओर फंस गई है। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अभी बांध से करीब 3.5 लाख क्यूसेक लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है जबकि बांध की क्षमता 5 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड लीटर के हिसाब से पानी छोड़ने की है।
उन्होंने बताया कि हमें माताटीला डैम के अनुसार पानी छोड़ना है, इसलिए 3.50 लाख क्यूसेक पानी थोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए अगले 24 घंटे तक पानी छोड़ने की संभावना है, तब तक यातायात प्रभावित रहेगा। तो लगातार बाढ़ बारिश की वजह से बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाके काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, आसपास के जो इलाके हैं वो काफी ज्यादा जलमग्न हो गए हैं, जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। डैम है, इनफ्लो है अभी करीब 3.5 लाख क्यूसेक का है और अभी जो लेवल चल रहा है 368.95 है। और जो जहाँ तक गेट रोड की बात है, वो जहाँ तक फोरकास्ट है हमारे पास, वो कल सुबह से पहले तो अभी खुलने का नहीं है। अभी 3.5 लाख का आउटफ्लो भी जा रहा है। सर हाईएस्ट कितना पानी छोड़ सकते हैं डैम से अपन? जिसकी कैपेसिटी है तो 11 लाख क्यूसेक है, लेकिन माताटीला डाउन स्ट्रीम के डैम को देखते हुए तो 5-6 लाख क्यूसेक ज़्यादा हम लोग अभी नहीं छोड़ पाएंगे। कितने गेट खुले हुए हैं सर अभी? अभी टोटल 15 गेट खुले हुए हैं। पिछले साल सर कब खुले थे सर? पिछले साल सेम टाइम पे ही खुले थे, 9 अगस्त 10 अगस्त से ही ओपन हुए थे। मथुरा के थाना बलदेव इलाके के जुगसरा गांव में पुलिस ने अवैध रूप से मिलावटी जहरीला दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में सरगना सहित 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। मथुरा में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मिलावटी दूध और उससे बने प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मथुरा पुलिस ने सूचना के आधार पर जुगसरा गांव में छापेमारी करते हुए नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। जस्वी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का कहना है कि मिलावटी दूध और उससे बनने वाले अन्य प्रोडक्ट मिलावट करके बनाए जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री के संचालक मुन्नालाल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि पकड़े गए लोगों के कब्जे से 10,000 लीटर नकली मिलावटी रिफाइंड ऑयल और अन्य मिलावटी सामान बरामद कर लिया गया है। खाद्य शिक्षा विभाग को भी इसके सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसका खुलासा हो सके। आमतौर पर हमने देखा है कि तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मिलावट करती है, खासकर की दूध में और दूध से बने प्रोडक्ट्स में। देखिए, थाना बलदेव के जुगसना गांव से पुलिस को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से जो मिलावटी और जहरीला मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वहां पर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। सीओ साहब और SHO बलदेव की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री पर रेड किया गया और वहाँ पर एक्टिवली दूध और दूध के आगे जो प्रोडक्ट्स हैं, पनीर व क्रीम व अन्य चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही थी, उसमें यूज़ होने वाले काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जो नकली मिलावटी और जहरीला दूध था 10,000 लीटर, जो कि एक कंटेनर में, टैंकर में भरा हुआ था, वो टैंकर, कंटेनर और दूध भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो जो पदार्थ इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, चाहे बेकिंग सोडा है या और भी केमिकल्स जो कि इसको एक तरह से जहरीला दूध बनाते थे, वो भी बड़ी मात्रा में इसमें बरामद हुए हैं। इसमें इसका इस पूरे जो इसका खुलासा हुआ है, उसमें सरगना मुन्नालाल इसमें अरेस्टिंग हुई है, इसके साथ साथ इसके 6 साथियों की भी अरेस्टिंग हुई है। इन सभी को अरेस्ट करके और माल को बरामद करके जेल भेजा जा रहा है। जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसको भी सूचना दी गई है, उनके द्वारा भी इसका सैंपल लिया गया है। ऐसी सूचनाएं जनपद के और क्षेत्रों से भी हमें प्राप्त हो रही हैं, जिसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर और ऐसी चल रही फैक्ट्रियों के ऊपर और सख्त कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के माध्यम से इनके द्वारा जो अवैध रूप से धन अर्जित और संपत्ति अर्जित की गई है, उसकी भी जानकारी की जाएगी और वो भी कोर्ट की जाएगी। प्रतापगढ़ में 2 सप्ताह पहले PRD जवान को गोली मारने के मामले में पीड़ित परिवार एम्बुलेंस में घायल जवान को लेकर SP आवास पर पहुंचा। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रहा पीड़ित परिवार समुचित इलाज न होने से नाराज था, जिस पर SP सतपाल अंतिल ने इलाज में खर्च उठाने का भरोसा दिलाया और घायल जवान को आनंद अस्पताल प्रयागराज भिजवा दिया। अब तक प्रयागराज में एक निजी नर्सिंग होम में जवान का इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि कंदई थाना के शिवसत पुल पर बदमाशों ने जवान को गोली मारी थी। तो SP आवास पहुंचा, पीड़ित परिवार और न्याय की गुहार लगाई है।
मथुरा की थाना हाईवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ऐसे गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियारों का धंधा किया करते थे, जिसकी सूचना जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस ने गैंग के लोगों के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया, जिसके बाद जैसे ही आरोपी मथुरा के हाईवे इलाके में हथियारों की खेप पहुंचाने के लिए आए तो पुलिस ने गैंग के सदस्य भूरा सिंह और शिशुपाल को धर दबोचा, जिसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने दी है। जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि ये गैंग अवैध हथियारों की तस्करी का काम करता है, जिसके लिए लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरोह के बाकी लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है और पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 7 अवैध तमंचे और 40 कारतूस भी बरामद किए हैं। देखिए, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि एक गैंग द्वारा अन्य जनपदों से अवैध असलह की सप्लाई मथुरा में की जा रही है और इस गैंग द्वारा असलह की फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दी जाती है, जिसके माध्यम से जो कस्टमर है इनको फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं, फिर फेसबुक मैसेंजर से ही इनके द्वारा ये डील तय की जाती है, उसका प्राइस तय किया जाता है और फिर इन लड़कों द्वारा जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनके द्वारा ये सप्लाई की जाती है। तो इस घटनाक्रम में भूरा सिंह व शिशुपाल की अरेस्टिंग हुई है, इनके कब्जे से 7 अवैध असले और 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस गैंग के अन्य मेंबर्स जो कि इनको सप्लाई करते थे और कहां पर इसका प्रोडक्शन होता था, कहां पर ये बनाई जा रही हैं, उस बारे में भी अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं, उस पर भी लगातार पुलिस टीम काम कर रही है। ऐसे अन्य गैंग्स जो मथुरा में अवैध असले की सप्लाई कर रहे हैं क्रिमिनल्स को या अन्य लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, उनके बारे में भी सूचना एकत्रित की जा रही है। बहुत जल्द ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी, ऐसे अपराधियों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने डेरे की रखवाली कर रहे चौकीदार को बंधक बनाकर पीट पीट कर उसकी जान ले ली। बदमाशों ने चौकीदार के हाथ पैर बांधकर उसकी बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला बिजनौर जिले के मंडावर थाना इलाके का है, जहां के इच्छावाला गांव के खेतों पर बने एक डेरे पर कुलविंदर सिंह चौकीदारी करता था, जहां बदमाशों ने उसकी पीट पीट कर जान ले ली। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना मंडावर के खैराबाद का रहने वाला कुलविंदर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, रवि चौहान नाम के एक व्यक्ति के यहाँ चौकीदारी करता था इच्छा वाला गाँव में। डेरे में लगभग 8-8:30 बजे खाना खा करके आया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने रंजिश वर्ष उसको लाठी डंडों से पिटाई कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। सुबह सूचना मिली, पुलिस अधिकारियों द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सुसंगत धाराओं में हत्या में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में कावड़ लेकर जा रहे कावड़ियों को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कावड़िया घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने कावड़ियों को प्रयागराज रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक कावड़िया हाईवे से गंगाजल लेकर जा रहा था, उसी वक्त गजेड़ा जंगल के पास एक चारपहिया वाहन ने कावड़िए को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो सड़क हादसे में कावड़िया घायल हो गया है। दरअसल जल लेकर कावड़िया लौट रहा था, तभी चारपहिया वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी के सिंगरा थाना अंतर्गत परेड कोठी स्थित हिमालया गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 103 में ठहरे ओंकार नाथ सिंह का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जब काफी समय बीत जाने पर कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो मैनेजर ने कमरा खुलवाना चाहा, मगर कमरा अंदर से बंद था और ना ही अंदर से कोई प्रतिक्रिया मिली, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के बीच होटल मैनेजर ने ऊपर की खिड़की से झांक कर देखा तो कमरे के अंदर संदिग्ध अवस्था में पंखे पर लेटे ओंकार नाथ को मृत पाया गया। ओंकार नाथ गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिवार वालों को भी घटना की सूचना दे दी है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिससे खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। हिमालय में आज सुबह जो पैसा जमा कराने के लिए 8:30 बजे में दरवाजा खटखटाया, डे बाई डे पेमेंट करते थे हमारे पुराने कस्टमर। जब मैं दरवाजा खटखटाया पैसा जमा कराने के लिए, कोई आहत नहीं मिला। मैं सोचा कि सुबह फिर आधे घंटे बाद गया खटखटाने, आधा एक घंटे के बाद
तो फिर कोई सुराग नहीं मिला। तो हमारे जोड़ीदार बोले कि टेबल ओबल लगा के ऊपर देखो क्या बात है, सुबह उठ जाते थे और आज क्यों नहीं थे। तो जब हम टेबल लगा के ऊपर देखे तो वो बेड पर सोए पड़े थे। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे यमुना नदी अब खतरे के निशान पर पहुंच गई है। यमुना नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप है। आपको बता दें कि राजापुर तहसील के यमुना नदी किनारे बसे एक दर्जन से ज्यादा गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए और ना ही बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से आरकी, अतरौली, जमोली, नैनी, गुरगौला, धुमई और सरधुआ सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांव में यमुना नदी का पानी घुसने की वजह से संपर्क मार्ग पूरी तरह से ठप है। किसी तरह लोग जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक नाव तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो बाढ़ की वजह से दर्जनों गाँव का संपर्क आपस में टूट गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं। मतलब सैकड़ों गांव का संपर्क टूट चुका है। आरकी जो रोड है इसमें सैकड़ों गांव का संपर्क टूट चुका है और सबकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गाड़ी घोड़ा होगा सब कुछ बंद हो गया इधर का। अभी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग आने के लिए देखो जाने के लिए यहीं पे खड़े हुए हैं, कुछ खाने वाले उधर उस पार खड़े हुए हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं इधर। तो प्रशासन अभी सो रहा है। किस तरह की समस्या है मुख्यालय से जाने को लेकर, बाजार हाट करने के लिए सब कुछ, किसी को मार्केट जाना है, किसी को कहीं कुछ भी मतलब काम है, कि कहीं गाड़ी घोड़ा निकलने है, सब कुछ मतलब आवागमन सारा ठप हो। किस तरह से प्रशासन से उम्मीद चाहते हैं आप लोग? प्रशासन से उम्मीद चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब बोट लगवाए, आने लोगों को आने जाने की व्यवस्था करवाए। क्या नाम है आपका? चंदन पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं सर, धुआ कार्य क्षेत्र अर्की तरफ जाना था, लेकिन इस बिलाड़ी नाला का पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। शायद ये यमुना में बाढ़ के कारण है। इस कारण हम लोग अपने कार्य क्षेत्र नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं सुबह से कि शायद कोई नाव वगैरह मुहैया हो जाए। एक नाव थी वो ख़राब हो चुकी है और दूसरी नाव की व्यवस्था की जा रही है। जब आ जाएगी तब जाएंगे, नहीं तो वापस लौट। प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गाँव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपिटाई हो गई। विवाद में एक महिला और बुजुर्ग समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष सरकारी ट्रैक रोड पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों में आए दिन मारपिटाई होती रहती थी। बीती रात करीब 11 बजे भी दोनों पक्षों में मारपिटाई हो गई। वही मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर था। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है इन दोनों ही पक्षों के बीच, और देर रात भी जमीन के विवाद में मारपिटाई हो गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। श्रावस्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में शहीद नमन यात्रा का आयोजन किया गया। अगस्त क्रांति के अवसर पर इस यात्रा का आयोजन अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बैनर तले किया गया। ये यात्रा सिरसिया, हरिहरपुर रानी, जमुनहा ब्लॉक का भ्रमण करते हुए जमुनहा ब्लॉक में संपन्न हुई, जहां पर बीडीओ कार्यालय में स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिला स्तंभों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस यात्रा का आयोजन स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी परिषद बहराइच के जिला मंत्री रमेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में किया गया है। ये हमारे अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन और जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद बहराइच श्रावस्ती के तत्वावधान में वर्ष 2008 से ये निरंतर हमारा शहीद नमन यात्रा 2 अगस्त से 14 अगस्त तक पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, जिस क्रम में बहराइच और श्रावस्ती दोनों जनपदों में ब्लॉकवार जो खंड विकास अधिकारी कार्यालय के मुख्यालय पर स्थापित स्वतंत्रता सेनानी शिला स्तंभों पर अपने सेनानियों को नमन वंदन करने के लिए आती है। इस संबंध में हम यही कहेंगे इस क्षेत्र की जनता से, नागरिकों से, देशभक्त स्वयंसेवी संस्थाओं से, पत्रकार भाइयों से, अधिकारियों से, कि अगर ये आज स्वतंत्रता सेनानी 1947 में देश आज़ाद न कराए होते
तो आज ये लोकतंत्र जो एक कोट गरीब का और एक कोट अमीर का दोनों का बराबर है वो शायद ना होता और ये आज अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी नहीं बनाए जाते। 47 के पहले इस देश पर अंग्रेजों का राज था जो बड़े बड़े रियासतदारों को जमींदारों को वो अपना मुखिया बनाते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। आज जो लोकतंत्र है इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत है। हम अपील करना चाहेंगे अपने अधिकारियों से, वो संवैधानिक पदों पर है और उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि इनकी रक्षा ऐसे महापुरुषों के स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों सेनानियों शिला स्तंभों की सुरक्षा उनकी रख रखाव उनकी रंगाई पुताई उनकी साफ सफाई ये व्यवस्था अधिकारियों के जिम्मे है। बहराइच में कल 9 अगस्त को जिलाधिकारी बहराइच एक भव्य आयोजन सेनानी भवन परिसर में स्थापित सेनानी महापुरुषों पूज्य महात्मा गांधी हमारे महामहिम सरदार जोगेंद्र सिंह रफ़ी अहमद किदवई की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और एक भव्य तरीके से उनको सजा करके उसका आयोजन कल किया है। प्रतापगढ़ की एक अदालत 26 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी ताकि उसकी स्थिति पर चर्चा की जा सके। पाक प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतापगढ़ अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें पाकिस्तान में भगवान गणेश के मंदिर को नष्ट करने की अनुमति देने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। शिकायतकर्ता एक वकील और अखिल भारतीय ग्रामीण बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने आरोप लगाया है कि भारत के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए एक अनियंत्रित भीड़ द्वारा मंदिर को कथित रूप से नष्ट किया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि इस अपराध में अपराधियों के साथ इमरान खान का भी हाथ शामिल था क्योंकि उनकी पार्टी के एक नेता ने भी मंदिर को नष्ट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ शुरू किए गए शीत युद्ध का हिस्सा है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए सिविल जज लालगंज ललिता यादव ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और शिकायत की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है। तो यूपी के कोर्ट में इमरान खान पर सुनवाई होगी 26 अगस्त ये तारीख रखी गई है। प्रतापगढ़ की जिला जेल में एक कैदी की मौत का मामला सामने आया। मामले में परिजनों ने थाना अध्यक्ष संग्रामगढ़ अमित सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि थाना अध्यक्ष ने विपक्ष से पैसा लेकर फर्जी मुकदमा लिखा था। मृतक बुधई सरोज के पुत्र और पत्नी ने थाना अध्यक्ष पर घुसखोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे पिता लड़ाई के समय मौजूद ही नहीं थे, न ही हमारे भाई मौजूद थे, फिर भी थाना अध्यक्ष अमित सिंह ने घूस लेकर मुकदमा लिखा है जिसकी वजह से हमारे बेकसूर पिता को जेल जाना पड़ा। वहीं मामले में परिजन शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। उनकी मांग है कि जब तक डीएम और एसपी मौके पर आकर दोषी थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अपनी कार्यप्रणाली के चलते थाना अध्यक्ष अमित सिंह अक्सर विवादों में रहते हैं। हमारी यही मांग है कि हमें न्याय चाहिए। हमारा बाप बेकसूर था सर, उसे सिर्फ पुलिस द्वार से ले गए खींच के, जो कि वो लड़ाई में था ही नहीं सर। हमारे दोनों भैया बहुत गरीब हैं, हमारे भाई के ऊपर मुकदमा चल रहा है सर। हमारे बड़े भाई का नाम नहीं था सर, उन लोगों ने जबरदस्ती खींच कर संग्रामगढ़ की पुलिस ने ले गई सर। वहाँ पर 25,000 रुपये दिए सर बड़े भाई को छुड़वाने के लिए, और हमारे छोटे भाई को भी छुड़वाने के लिए 25,000 रुपया दिया है सर। हमारा पाप बहुत बेकसूर था, हमारे भाई के मुकदमा ना चले सर। हमें चाहिए इंसाफ सर, अगर हमें इंसाफ मिलेगा तभी हम लोग जी पाएंगे, नहीं तो आप लोग भी जोन करेंगे क्या करेंगे। मांग यह है हमका खेती चाहिए, पान ठीक करने हैं और ये विधवा हो गया है, वो नतनी का हम ले यही यही जे मर गवा ही सी उनका हमका शादी करे कहा है। हमरे बेटवा का नाव कटावा, हमका पर्ची दिया, मोहर ला के हमका नगद दिया साहेब। तो हमार मांग यह है, नहीं हम लहास न उठे दे बैठी से। हाँ,
हापुड़ में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक का शव हत्या कर फेंका गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना धोलाना क्षेत्र के गांव करणपुर जट के जंगल का है, जहां सुबह गौतम बुद्ध नगर निवासी ताहिर का शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि ताहिर गांव करणपुर जट में अपने ससुराल में रह रहा था और काम की तलाश में दो दिन पहले अपने घर से निकला था। आज सुबह उसका शव करणपुर जट के जंगल में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।